महाराष्ट्रे महासंकट। एकनाथ शिंदे संगे सुरात हुए असमेर गुवाहाटी होटेले रोयेछेन महाराष्ट्रेर विद्रोही विधायकरा। आस्थार पंचम दिन एरी माझे एकघेयेमि काटाते विधायकदेर मन भालो राखते होटेले निर्दल विधायक नरेंद्र भंजेकारेर जन्मदिन पालित हलो धूमधाम करे। कि जिस आसाम में बाढ़ आए हैं, जहां लोगों के लिए कपड़े नहीं है, अभी रहने की कोई क्षमता नहीं है, वहां ऐसे हमारे जो कुटीरवादी आमदार है, विधायक है, उनके लिए पैसा खर्च किया जा रहा है। ये आसाम के लोगों ने भी सोचना जरूरी है, महाराष्ट्र के लोगों ने भी सोचना जरूरी है, देश के लोगों ने सोचना जरूरी है। और इस देश में लोकशाही है कि नहीं, इसका सवाल होता है, क्योंकि ये ऑक्शन जैसे लेके जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 8 साल में इस देश की राजनीति की संस्कृति बदलने की कोशिश करती रही। आपको याद होगा अहमद पटेल जी का राज्यसभा चुनाव, उसमें भी इन्होंने खरीद फरोख करने की कोशिश की विधायकों। आज आसाम डूब रहा है, आज आसाम में 50 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, 100 लोगों से ऊपर की जान जा चुकी है, और आसाम का मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए दलाली कर रहे हैं विधायकों की। देवेंद्र फडणवीस को एक सुबह रोज 4 बजे का अलार्म लगा देते हैं देवेंद्र फडणवीस जी की, राजभवन जाना है, और 7 बजे वापस घर आ जाते हैं। अब पिक्चर थी ना वो एक दिन का मुख्यमंत्री, ये तो 3 घंटे के मुख्यमंत्री थे। ये किस तरह का रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं? अरे इंतजार करिए ना अगले चुनाव की, फिर देख लीजिएगा। तो ये शपथ लेने की प्रैक्टिस करना बुरी बात नहीं है, अपने घर पे करें, शीशे के सामने खड़े होकर ये बार बार राजभवन क्यों चले जाते हैं? तो जो फ्लोट लिस्ट में जो एमएलए का संख्या रहेगा हुआ, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, महाराष्ट्र के मामले में हमें किसी को कोई चिंता नहीं। देखो महाराष्ट्र में आगे बोले थी, जे सरकार चल चिल ये सरकार হচ্ছে হাজারু সরকার, হাজ আর সজারু মিলে যেরকম হাজারু হয়, যেরকম হাজারু বলে প্রাণী কোনো হতে পারে না, সেরকম এই জোটও টিকতে পারে না। স্বাভাবিকভাবে এই জোটের পলিটিক্যাল ডেথ হয়েছে, কারণ নিজের তলার শিবসৈনিক যারা, তারা কোনোদিনও না ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের অপমান, না আপনার আমাদের হিন্দুত্বের অপমান, হিন্দু ধর্মের অপমান, না বীর সাবরকরের অপমান, কারো অপমান মানবেন না। কিন্তু উদ্ধব ঠাকরে চেয়ারের জন্য বারবার এই কোর ইস্যুতে, শিবসেনার কোর ইস্যুতে কম্প্রোমাইজ করেছেন। তো স্বাভাবিকভাবে মহারাষ্ট্রে মহানাটক হচ্ছে, এরপরে মহারাষ্ট্রের মহারণ হবে দেখতে পাবেন আপনারা, এবং প্রকৃত মহারাষ্ট্রের লোকেরা যাদেরকে ম্যান্ডেট দিয়েছিল, সিঙ্গেল লার্জেস্ট পার্টি 100-এর বেশি সিট দিয়েছিল, সেই ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার গঠন করবে।